सबसे पहले बात करते हैं भारतीय पत्रकारिता और एनडीटीवी के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। एनडीटीवी के रवीश कुमार रेमन मैग्सेसे सम्मान उनको मिला है। अमूमन सामाजिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले ये पुरस्कार रवीश की सामाजिक पत्रकारिता को रेखांकित करता है। एनडीटीवी के लिए ये एक बेहद गौरव का क्षण है। रवीश कुमार ने बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत नीचे से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 1996 से रवीश कुमार एनडीटीवी से जुड़े रहे हैं और शुरुआती दिनों में एनडीटीवी में जो चिट्ठियां आती थी उनको छांटने का काम वो करते थे और इसके बाद वो रिपोर्टिंग की ओर मुड़े और उनकी सजग आंख देश और समाज की विडंबनाओं को अचूक ढंग से पहचानती रही। उनका कार्यक्रम रवीश की रिपोर्ट बेहद चर्चित हुआ और हिंदुस्तान के आम लोगों का वो कार्यक्रम बन गया। हर दिल अजीज बन गए रवीश कुमार। बाद में एंकरिंग करते हुए उन्होंने टीवी पत्रकारिता की जैसे एक नई परिभाषा गढ़ी। इस देश में जिसे भी लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, कोई नहीं उठाता, उसे रवीश कुमार से उम्मीद होती है। टीवी पत्रकारिता के इस शोर शराबे भरे दौर में उन्होंने सरोकार वाली पत्रकारिता का परचम लहराए रखा है और सत्ता के खिलाफ बेखौफ पत्रकारिता वो करते रहे। आज उनकी पत्रकारिता को एक और बड़ी मान्यता मिली है। और इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवीश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और बेहद खुशी का क्षण है। ना सिर्फ भारतीय पत्रकारिता और एनडीटीवी के लिए भी हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका लगातार हम आपके साथ यहाँ काम करते रहे हैं। रवीश, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे माना जाता है जो सम्मान आपको मिला है। पत्रकारिता के अपने पूरे सफर को आप किस तरह से अपने दर्शकों के सामने रख पाएंगे? और शुक्रिया जया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। टीवी में आप जानते हैं कि कोई अकेला होता नहीं है, भले उसका चेहरा अकेले का बन जाता है, पर सब आप जैसे बहुत सारे लोग इसमें पीछे जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे चेहरे के पीछे होते हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन है। जितिन भूटानी का नाम लेना चाहूंगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद मुर्सलिन, जो हमारे साथ जिन्होंने सबसे ज्यादा शूटिंग, मनोज और नरेंद्र गोदावली, जो अब एनडीटीवी में नहीं है, लेकिन वो सब हमारे साथ थे। जिन लोगों ने धीरे धीरे कहा, जो दिन रात मेरी ना लगने वाली स्टोरी को भी उसी गंभीरता के साथ शूट करते रहे, उसमें कैमरा एंगल ढूंढते रहे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर होते हैं। एक पत्रकार अकेले अपने कमरे में तैयार नहीं होता है। मैं याद करना चाहूंगा अनुपम मिश्र, जो मुझे गांधी जी के विचारों के बारे में, पानी के बारे में, पर्यावरण के बारे में कितना कुछ सिखाते थे। मैं याद करना चाहूंगा प्रभास जोशी जी को, ओम थानवी हैं, शंभुनाथ शुक्ल हैं, ये सब हमारे पेशे के बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपनी 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 क्षमता से गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम शायद उस बढ़ी हुई गाड़ी को थोड़ा आगे खींच लाए, पर इस कामयाबी को इस रूप में भी देखना चाहूंगा उस पुरस्कार को कि आप जानती हैं कि हिंदी पत्रकारिता की स्थिति बहुत खराब है और हिंदी के कई बड़े अखबार तो जिन्हें मैं अखबार ही नहीं मानता, और इस वक्त भी बोलूंगा क्योंकि मैं तो पुरस्कार से पहले ही बोल रहा था, कई बड़े अखबार जो हैं साम्प्रदायिकता तो फैला ही रहे हैं, साथ ही वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और वहां पर इतने बेहतरीन पत्रकार पत्रकारिता के सपने को लेकर आते हैं और उनके भीतर का पत्रकार मार दिया जाता है। कई बार जो हमारे सहयोगी जिलों में हैं, जिन्हें हम स्ट्रिंगर कहते हैं, वो हमसे बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन कभी उनको हम जैसे लोगों की तरह मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारी स्थितियां होती हैं, तो आपको ऐसे वक्त उन सबको याद करना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं उन सब के सपनों को पूरा कर लेता हूं। तो मैं मुझे ये मौका मिला है, तो जो इटावा में बैठा सिंगर, अगर बनारस में बैठा सिंगर या बेगूसराय में बैठा सिंगर या दरभंगा में बैठा सिंगर, ये बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसमें क्षमताएं बहुत होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनके बदले जी लेता हूँ, मैं उनके बदले कुछ और अच्छा कर लेता हूँ, ताकि उन्हें ये लगे कि ठीक है, उन्हें मौका नहीं मिला लेकिन किसी और को मिला है, तो वो उनके जैसा कर रहा है।
तो बहुत तरह के लोग आपको बनाते हैं, जो आपकी आपकी जो समझ बनती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। सोपान जोशी होते हैं, अपूर्वानंद होते हैं, मेरे प्रोफेसर अनिल सेठी, प्रदीप चौधरी, सुनील कुमार, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आज भी मैं अटलांटा गया था, एयरपोर्ट तक भी किसी ने किताब मुझे पकड़ा दी। मैं ये सोचता था ये कौन लोग हैं जो एक पत्रकार को इतनी किताबें देते हैं, और मेरा ब्रीफकेस किताबों से भर गया था, सूटकेस। तो मैं इन्हें मानता हूं कि ये वो लोग हैं जो पत्रकार बना रहे हैं। वो खुद से नहीं बनता है, आपको वो जगह देनी पड़ती है कि जहां कोई दूसरा आए, अपने अनुभव और क्षमता का कुछ अंश आपको दे के चला जाए, और ताकि वो आप व्यापक समाज में पहुंचा दें। तो लंबी यात्रा रही है, उतार चढ़ाव की भी यात्रा रही है। कई बार लगा भी है कि सब कुछ खत्म हो गया, कई बार ये भी लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पर इन्हीं के बीच करते चलना चाहिए। पुरस्कार मिले तो भी, ना मिले तो भी, बस एक ही अफसोस ये है कि मैं काम ही करता रह गया, कभी आराम नहीं किया। तो मुझे लगता है ये मॉडल ठीक नहीं है। थोड़ा लोगों को अपना जीवन भी जीना चाहिए, रसोई में खाना बनाना चाहिए, और तो ये सब करने का मौका मुझे नहीं मिला अपना लाइफ जीने का। पर ठीक है, दूसरों की जिंदगी जीते जीते आप बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं, जीवन का एक हिस्सा उसमें गुजरा है, लेकिन अच्छा ही रहा। आप सब बाकी चीजें तो आप खुद समझती हैं जया, कि इतना आसान नहीं रहा कि अब आप कम संसाधन में 40 मिनट का प्रोग्राम 3-4 लोगों के साथ मिलकर बना लें। वो बहुत चाहूंगी, आप बता रहे हैं कि बेहद मुश्किल दौर में जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, इतना आसान नहीं रहा। और आपने एनडीटीवी में 1996 में एनडीटीवी ज्वाइन किया था, और शुरुआती जो काम आपको मिला था वो चिट्ठियां छांटने का काम मिला था, और उसके बाद आप रिपोर्टिंग में आए, रवीश की रिपोर्ट से सब वाकिफ हैं, हर दिल अजीज आप बन गए थे, और अब प्राइम टाइम आप कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आप किस कदर लगे रहते हैं अपने काम में। आप हिंदी पत्रकारिता के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार एक के बाद एक पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, वो भी मौजूदा दौर में, जबकि हम देखते हैं कि तमाम मीडिया में शोर शराबे वाले जो है चैट शो होते रहते हैं। हिंदी पत्रकारिता में जया, पत्रकार तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर संपादक बहुत खराब है। उन्हें बस मौका मिलना चाहिए कि कैसे हुजूर की जी हुजूरी कर लें, तो ऐसे और वो काफी स्थापित संपादक हैं, हजार हजार पत्रकारों को नौकरी देते हैं, तो उन्हें कम से कम मैं चाहूंगा कि उन्हें स्पेस मिले। मैं जानता हूं कि बहुत से हिंदी के पत्रकार हैं जो काफी पढ़ते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं अपने फेसबुक पे, अपने ब्लॉग पे, लेकिन उनके अखबार में वैसा उनका लेख नहीं आ पाता है। तो क्षमता के मामले में वो किसी से कम नहीं है, पर मेरी ये ख्वाहिश तो रहती है कि हमारा स्टैंडर्ड दूसरों से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, संसाधन कम होते हैं हमारे पास, बहुत बहुत रात तक जगना पड़ता है, बहुत दिए में बहुत तेल लगता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचा होना चाहिए। वैसा अभी हाल के दिनों में, पिछले 5-8 साल में देखता हूं, तो जब हिंदी चैनलों का विस्तार हो रहा था, पत्रकारिता का विस्तार नहीं हुआ गया। और आप देखिए, जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो वायर से आती हैं, स्क्रोल से आती हैं, वो कैरवान से आती हैं, पर हिंदी का अखबार, हिंदी का पत्रकार अब वैसी बड़ी खबरें बहुत कम करता है। तो सिस्टम जो है उसके खिलाफ हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि पत्रकार इसको समझें और अपनी तैयारी करते रहें, और जब भी मौका मिले अपनी लाइन बड़ी कर दें, वो उन खराब संपादकों के चक्कर में ना रहें जिन्होंने उन्हें नौकरी दी है और नौकरी के बदले जिंदगी भर उस एहसान के नीचे लादते रहते हैं और उन्हें पत्रकार नहीं बनने देते हैं। इससे हिंदी के पत्रकारों को मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपने चिट्ठी छांटने की बात की, हाँ जरूर, तब मेरे पास नहीं थे पैसे, तो एक तरुण भारती थे, वो ले गए एनडीटीवी और रूबीना खान शाहपुर से मुलाकात करवा दी, और उन्होंने कहा ठीक है आप चिट्ठी छांट लीजिए। तो चिट्ठी छांटता था, सबके फैन मेरे साथ होते, तो मैं पढ़ता था बहुत ध्यान से, और फिर उसे कभी चेतन को, कभी शाइने को, शेन को, कभी शिबानी शर्मा को दे देता था। तो मैं देखता था कि एक कार्यक्रम को लोग कितनी तरीके से देखते हैं और क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। बहुत सारी चिट्ठियां आती थी गुड मॉर्निंग इंडिया में। फिर शिबानी शर्मा ने मुझे कहा कि आप ट्रांसलेशन का काम कर लीजिए,
फिर धीरे धीरे पता नहीं गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली आई। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि आपका टाइम खत्म हो गया है। टाइम तो सबका खत्म हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो टाइम मिला है उसका उपयोग आप कैसे करती हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर दिन 24 घंटे खत्म होते हैं और फिर नए फिर शुरू होता है। तो हम सबको देखना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि ये एक भावुक क्षण है, बहुत अच्छा लम्हा है हिंदी के तमाम पत्रकारों के लिए। आप टाइम का बखूबी उपयोग करते रहे, हम सभी जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं अपने शो के दौरान भी और बाद भी, और ब्लॉग भी लिखते रहे। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए। एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड को देखा जाता है, आपको भी पहले ये सम्मान मिल चुका है और पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को ये सम्मान मिला है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले मैं रवीश को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मतलब आज मुझे लगता है कि देश में अगर कोई एक शख्स ये अवार्ड डिजर्व करता है तो वो रवीश कुमार है, जिसने बहुत देश जब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था उसमें इन्होंने बहुत हिम्मत करके आवाज उठाई, सच को दिखाने की ताकत दिखाई, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ा, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, लेकिन उन्होंने उसका मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अवार्ड जो है वो इनके संघर्ष को और ज्यादा बल देगा, एक बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये भी कि मैं एनडीटीवी को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने रवीश को छूट दी और स्वतंत्रता दी कि वो जो दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। तो उसी मात्रा में मैं एनडीटीवी को और डॉक्टर प्रणव राय को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रेरणा लेके और भी सभी पत्रकार इस किस्म की पत्रकारिता करने की हिम्मत दिखाएंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी पत्रकार जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और जो इस क्षेत्र में है वो कहीं ना कहीं रवीश एक मिसाल बन चुके हैं, उनसे प्रेरणा लेंगे। अरविंद जी, यहाँ पर पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना। रवीश जो है एनडीटीवी की अगर हम बात करें तो लगातार जो है इस तरह से खरे सवाल पूछता रहा, और इस दौरान रवीश को कई बार धमकियां भी आई हैं सोशल मीडिया पर, उनको गंदी और भाषा का इस्तेमाल भी उनके खिलाफ किया गया है, लेकिन पुरजोर तरीके से वो और पूरा एनडीटीवी ग्रुप जो है इस पत्रकारिता में, निष्पक्ष पत्रकारिता में लगा रहा। आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना मौजूदा दौर में इतना आसान नहीं रहा है? देखिए, ये सबसे पहला काम होता है किसी भी जर्नलिज्म का कि सत्ता में जो भी हो बिना पक्ष लिए हुए और बिना प्रेजुडिस के उनसे सवाल पूछे जाएं और जनता के सामने पक्ष रखा जाए, फिर जनता तय करे कि उनको किसका साथ देना है। लेकिन आज के दौर के अंदर एक तरह से देखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के और सत्ता पक्ष के साथ सारी पत्रकार, कई पत्रकार, सारे नहीं, बहुत अभी भी बहुत सारे पत्रकार इंडिपेंडेंट तौर पर काम करते हैं, लेकिन कई मीडिया हाउसेज और कई पत्रकार चाहे डर के मारे चाहे जो भी उनके कारण रहे हो वो सवाल पूछने में डरते हैं, सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं, और कई पत्रकार एक तरह से उसकी इस्टेब्लिशमेंट की आरती उतारने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल के अंदर जबकि जो भी प्रश्न पूछने की हिमाकत करता है उससे उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ऐसे माहौल के अंदर रवीश का इस तरह की पत्रकारिता करना बहुत ही काबिल-ए-तारीफ है। जी अरविंद जी, यहाँ पर पत्रकार का सरोकार सामाजिक मुद्दों से, राजनीतिक और तमाम जीवन से जुड़े मुद्दों से रहा है। रवीश जो है लगातार अपने कार्यक्रम में, प्राइम टाइम में और रवीश की रिपोर्ट के जरिए कई तरह के इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जनता की आवाज बनते रहे हैं। आप भी एक दौर में सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आप किस तरह से कह सकते हैं पत्रकारों को, आप यूं तो अब सत्ता में हैं बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के, अब आप हैं यहाँ पर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो रवीश को मिला है इसके जरिए? मैं सभी पत्रकारों को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहला धर्म एक पत्रकार का यही होता है कि
समाज में और राजनीति में जो भी गलत काम चल रहे हैं उसको सच को जनता के सामने लाना और सवाल पूछना। उससे अगर पत्रकार मुकर जाएगा या पत्रकारिता मुकर जाएगी तो वो एक तरह से सबके साथ धोखा होगा। सबसे पहला धर्म यही होता है एक पत्रकार का। तो आज जो रवीश को ये सम्मान मिला है, ये सम्मान उनके अपने लेवल पे भी ताकत देगा उनको और अच्छे से काम करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा बनेगा कि वो भी रवीश की तरह की पत्रकारिता कर सके। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। और यहाँ पर सभी इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भारतीय पत्रकारिता के लिए एक गौरवान्वित क्षण है, एनडीटीवी के लिए भी एक बेहद खुशी का मौका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एनडीटीवी के रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है, उनको ये सम्मान मिला है। और एशिया में जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार रवीश कुमार को ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों है? और एनडीटीवी इंडिया को ENBA की ओर से बेस्ट ज्यूरी अवार्ड मिला था। उस सम्मान को लेने के बाद रवीश कुमार ने एक शानदार संबोधन दिया था, आइए सुनते हैं। अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो? यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे चार दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहे और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहां से जाएंगे तो अपने अपने ट्विटर को, अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मजा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा, जब यहां से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूं, आपके आने से पहले भी यहां यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे CRPF के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले किसान मजदूरों के घर से आते हैं, वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये पुरस्कार उन्हीं के लिए है। बहुत शुक्रिया NDTV
और एनडीटीवी की टीम, सुपर्णा, सोनिया, सुनील, बाबा, उमा, सौरभ बहुत नौजवान रिपोर्टर है, लेकिन उसे जो जिस स्टोरी के लिए आप लोगों ने पुरस्कार के लायक चुना है, उस स्टोरी ने उस धारा को बदल दी जो उन्माद जिसके जरिए पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, और जिस उन्माद ने एक बेहतरीन ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह की जान ली। तो हमारी जो ड्यूटी है वो यही है। ये ड्यूटी नहीं है कि मेरे दफ्तर के सामने आप बोर्ड लगा दें कि रवीश का टाइम खत्म हो गया। रवीश का टाइम खत्म नहीं हो सकता है। आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे, आपकी टीआरपी 100वें माले पर चढ़ जाएगी, तब भी कोई रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रवीश जैसा ही ढूंढेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो हमारी सुपर्णा जी ने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा हंसना चाहिए, आप तो हंस रही हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हंसना चाहिए, लेकिन अगर उनकी मीडिया प्लानर टीम ने मुझसे पूछा होता कि हम आपके टाइम के खत्म होने के ऐलान पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, तो मैं यही कहता कि वो पैसा अपने गरीब पत्रकारों में बांट दीजिए, मैं प्राइम टाइम से इस्तीफा दे देता हूं और अपने घर चला जाऊंगा। तो यही है कि हम आपस में इतने जहर ना बोएं और ना अपनी आदत से जनता के बीच, दर्शकों के बीच सनक की हवा को तेज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये 5 साल का दौर पूरा कर गए। आप जूरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके उस ईमान और जमीर का कद्र करते हैं कि आपने हमें चुनते वक्त ये सोचा तो होगा कि बहुत बुझाने की कोशिश की गई मगर ये दिया जगमगाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।